जल्दी से ऑपरेशन टेबल तैयार करो, गो फास्ट। ओके सर। जल्दी से लेके चलो, जल्दी करो बस। पलक में कभी भगवान पर भरोसा नहीं करता था, हमेशा यही सोचता था कि अगर इंसान चाहे तो वो अपनी मुसीबत से खुद लड़ सकता है। लेकिन आज आज मां को इस हालत में देखकर मैं टूट चुका हूं पलक, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। आज मुझे मां की बात याद आ रही है, वो मुझसे कहती थी कि अगर इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता तो उसे भगवान के सामने हाथ जोड़ देना चाहिए। हे प्रभु, मेरी मां को ठीक कर दो, उन्हें इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं आप? प्लीज प्रभु उन्हें ठीक कर दो। आज मेरी मां के आप पर विश्वास होने की परीक्षा है और वो इस परीक्षा में हार नहीं सकती, वो कभी हार नहीं सकती। उन्हें ठीक कर दो प्रभु, उन्हें ठीक कर दो। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता दक्ष, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप को संभालो। अरे दक्ष, पलक कैसे लिपो? दादाजी, पागलपन में आकर मां ने अपने आप को चोट पहुंचाई, उन्होंने अपने हाथ की नस काट दी। क्या? डॉक्टर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस वक्त कुछ खा नहीं जा सकता। मिस्टर चंद्रकांत जागीरदार कहां है? कुछ पेपर्स में उनके साइन लेने हैं। वो क्या है, सुषमा जी होश में नहीं है, उनके बिहाफ पे वही साइन कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर, इस वक्त तो वो यहां नहीं है। तो वो जहां कहीं भी हो उन्हें जल्दी लेकर आइए, क्योंकि उनके साइन के बिना इनका ऑपरेशन नहीं होगा। इस वक्त अगर हम उनकी साइन लेने जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। आप मेरी साइन ले लीजिए, मैं उनका बेटा हूं। सॉरी, हमें इनके हस्बैंड के ही साइन चाहिए। व्हाट क्रैप इज दिस? आप वक्त खराब मत कीजिए, जल्दी जाइए और उन्हें लेकर आइए। अगर मेरी मां को कुछ हुआ ना तो मैं ठीक है, मैं उन्हें लेकर आता हूं। पापा फोन काट रहे हैं। बेटा मुझे लगता है वो फोन नहीं उठाएगा, तुम खुद ही जाओ, भी वो ऑफिस में होगा। दक्ष तुम जाओ। दादाजी आप यहां ध्यान रखना, मैं पापा को लेकर आता हूं। पापा आप ग्रेसी पापा कहां है? वो एक मीटिंग में गए हैं। कहां? वो ग्रेसी पता मुझे पापा कहां है? वो उन्होंने बताने के लिए मना किया है सर। ग्रेसी सर, मेरी नौकरी का सवाल है सर। और तुम क्या सोचती हो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी? बताओ मुझे पापा कहां है। बेटा दक्ष नहीं आया अभी तक, उसका फोन भी नहीं आया। बस दादाजी आता ही होगा। मैं आपको बताती हूँ वो इस वक्त कहाँ मिलेंगे। Anyways, thanks, Gracie.
डॉक्टर। देखिए हमारे पास समय बहुत कम है और बिना चंद्रकांत जी के सिग्नेचर के हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर मैं चंद्रकांत का पिता हूं, सुषमा मेरी बहू है। आप मुझसे चाहे जहां साइन ले लीजिए पर आप ट्रीटमेंट जल्दी चालू कर दीजिए। आई एम सॉरी, ये लीगल मैटर है। Excuse me, yes, sir? Room number 1503, please. ये मिस्टर चंद्रकांत जागीरदार के नाम पर बुक है। हाँ मैं जानता हूँ लेकिन मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, इट्स अर्जेंट। सर हम ऐसी परमिशन नहीं दे सकते। एक मिनट रुके, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दक्ष है। देखिए मैं उनका बेटा हूँ और मेरी माँ, मेरा मतलब है उनकी बीवी इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है और वो वन सेक। फोन तो बज रहा है, शायद वो रूम पर नहीं है। ठीक है मैं खुद देखता हूँ। सर 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 एक मिनट प्लीज। ये दक्ष अभी तक आया क्यों नहीं? Excuse me? Yes. इस रूम में मिस्टर चंद्रकांत जागीरदार मेरे फादर थे, वो इस वक्त कहाँ गए? वो तो जा चुके हैं सर। जा चुके लेकिन कहाँ? साहब और मैडम अभी अभी बाहर गए हैं सर। मैडम इनके हस्बैंड नहीं आए अभी तक, और आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर थोड़ी देर तक ऑपरेशन शुरू नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर कीजिए ना ऑपरेशन। इस वक्त पेशेंट की जान बचाना आपकी फर्स्ट ड्यूटी है, या फिर ये लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करना। इनके हस्बैंड की साइन तो आपको कल भी मिल सकती है, लेकिन आज मम्मी जी को ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। देखिए आप प्लीज डॉक्टर, देर मत लगाइए। अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। उनके हस्बैंड यहाँ नहीं है तो क्या? हम सब तो है ना, हम किसी भी पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हैं। हम कोई भी कानूनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्लीज आप मम्मी जी का ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी मम्मी जी को बचा लीजिए। देखिए हम किसी के जान के दुश्मन नहीं हैं। यही बात हम आपको बताने आए हैं। चंद्रकांत जी को जल्दी बुलाइए वरना ऑपरेशन में देर होते जा रही है, वरना हमें आउट ऑफ द वे जाके ऑपरेशन करना पड़ेगा। और अगर ऑपरेशन करते वक्त कुछ ऊंच नीच हो गई तो इसकी जिम्मेदारी आप लोग की होगी। डॉक्टर आप चाहे जिस पेपर पे साइन ले लीजिए, हम देने को तैयार हैं। आइए मेरे साथ। थैंक्स। दक्ष पापा आप कहाँ थे? मैंने आपको कितने फोन किए? मैं एक मीटिंग में बिजी था, तुम्हारा फोन मुझे काफी डिस्टर्ब भी कर रहा था। बोलो क्या काम है, जल्दी बोलो। पापा आपको मेरे साथ असालम चलना होगा, माँ की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है।
पागलपन में आके उन्होंने अपने आप को चोट पहुंचाई और अपने हाथ की नस काट दी। ये सब तो मुझे क्यों बता रहे हो? मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। पापा, पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वहां मां जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं? वो तुम्हारे लिए आज मर रही होगी, मेरे लिए कब से मर चुकी है। पापा मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज मेरे साथ चलिए। डॉक्टर्स और इंस्पेक्टर का कहना है कि जब तक लीगल पेपर्स पर आपकी सिग्नेचर नहीं होगी तब तक वो लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे। मैंने कह दिया तुमसे मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। और हाँ, वो मरती है तो मरने दो उसे। दक्ष, दक्ष, क्या हुआ? पापा मिले? वो यहाँ क्यों नहीं आए? पापा किसी औरत के साथ होटल में थे। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। दक्ष वो औरत कोई और नहीं बल्कि मोहिनी है। शर्म आ रही है मुझे अपने पाप पर। विश्वास नहीं हो रहा कि पापा इस हद तक नीचे गिर सकते। जानती हो पलक, उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी मां जिए या मरे उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे यकीन होने लगा है कि पापा को बहकाने में उसी औरत का हाथ है। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। अगर उसने मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की तो मैं उसकी जान भी ले सकता हूं। दक्ष बेटा, चंद्रकांत का पापा नहीं आएंगे। दादी कहाँ है? बेटा माँ आई थी लेकिन सुषमा भाभी की हालत देखकर वो बेहोश हो गई और मंजुला के साथ में उसको घर भेज दिया। दादाजी आप लोग घर जाइए, मैं यहाँ मम्मी जी के साथ रहूंगी, कहीं दादी जी को कुछ। नहीं बेटा जाओ, वहां उसकी तबीयत खराब हुई तो तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, हम लोग बाद में आ जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है मेरे इस घर में? मेरे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई? न जाने भगवान और कितने दुख दिखाना चाहता है। दादी सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप इतना टेंशन मत लीजिए, आपके लिए ठीक नहीं है। मुझे चंद्रकांत से ये उम्मीद नहीं थी। वहां उसकी बीबी अस्पताल में पड़ी, मौत से लड़ रही है, अपनी मां को बचाने के लिए उसके बेटे की जान सूखी जा रही, उसके घर वालों का खाना पीना हराम है, मगर उसे तो किसी की परवाह ही नहीं है, किसी की फिक्र नहीं है, कोई मरे या जिए, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। आने दो आज उसे। लगता है पापा आ गए, मैं देखता हूं। सब कुछ बिखरता जा रहा है, मैं इस घर की बड़ी होकर भी इस घर को संभाल नहीं पा रही हूं। अब तो भगवान से एक ही प्रार्थना है, उठा ले मुझे, मैं अब नहीं जीना चाहती। नहीं दादी ऐसा मत बोलिए, घर के बड़े ही तो घर बनाते हैं। पलक बेटा तू इस घर को छोड़कर कहीं मत जाना, इस घर को तेरी जरूरत है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू ही इस घर को संभाल सकती है, कहीं नहीं जाएगी ना बेटा? हाँ दादी मैं नहीं जाऊंगी, अब आप आराम कीजिए। पलक बेटा हमसे एक वादा कर, तू इस घर में ही रहेगी और इस घर की बहू बनकर। दादाजी कैसे, आप तो जानते हैं ना कि मेरे यहां होने से पापा जी कैसे रिएक्ट करते हैं। पापा जी मेरी शक्ल देखकर ही ऐसे में क्या कर लोगे तुम? अब तुम मुझे नसीहत दोगे? जो खुद अपने सगे भाई के कातिल को साथ दे रहा है वो मुझे नसीहत देगा कि मुझे जिंदगी कैसे जीनी चाहिए? किस किस हैसियत से तुम मुझे नसीहत दे रहे हो? आपके बेटे की हैसियत से। नहीं हो तुम मेरे बेटे। सिर्फ कहने से खून के रिश्ते टूट नहीं जाते। आज तक हम जो भी कुछ गलती करते थे तो आप हमें डांटते थे ताकि हम वो गलती दोबारा ना करें, लेकिन आज खुद आपने इतनी बड़ी गलती
तो एक बेटे के नाते मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। आपको मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा पापा। नहीं देना मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब। यह घर मेरी बदौलत चलता है। इस घर में मैं किससे मिलता हूँ, क्यों मिलता हूँ, क्या करता हूँ, ये सब जानने पूछने का हक तुम्हें नहीं है। और दूसरी बात, सुषमा के बारे में मुझसे कभी कुछ पूछना मत, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। ये क्या कह रहा है तू? जरा अपनी हालत देख, क्या से क्या हो गया है। और तू है किस गलत फहमी में चंद्रकांत? कभी मैं मरा नहीं हूं, अपने दिल से ये ख्याल निकाल दे के तेरे बगैर सुषमा का कुछ नहीं होगा। हम सब हैं उसके साथ। तो रखिए ना, बेशक आप उसे अपने साथ रखिए, पर मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। ये आप कैसी बातें करें? आप मां को इस तरह से कैसे छोड़ सकते हैं? मां ने आपकी खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं किया? आपके दुख, आपके सुख, आपकी मुसीबत में सब में आपका साथ दिया, आपका हाथ थामा, और आप ये सब भूल जाना चाहते, उसे छोड़ देना चाहते। मुझे शर्म आ रही है आपको अपना बाप कहते हुए। आप मेरी मां को धोखा दे रहे पापा। धोखा पलक ने दिया है, इसी की वजह से मैंने अपने बेटे को खोया। ये नहीं चाहती कि इस घर में सुख शांति बनी रहे, और ये सब तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम दुनिया को इसकी नजरों से देखते हो। जादू कर दिया इसने तुम पर, पूरे घर को बर्बाद करके रखेगी ये। दादी आप क्यों यहां आई है? आप अंदर जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं पलक, बहुत हो गया, आखिर हर बात की एक हद होती है। मां तुम लोगों को पता नहीं है पूरे घर की खुशियों को बर्बाद कर देगी ये। बस चंद्रकांत, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूं। क्या कहा तुमने? ये पलक की वजह से हुआ है सब कुछ? अरे इस बच्ची ने इस घर के लिए जितना बर्दाश्त किया है, जितना सहा है, उसके लिए तो ये घर हमेशा कर्जदार रहेगा उसका। कैसे इंसान हो तुम? अपनी बेटी जैसी बच्ची के लिए ऐसा कैसा सोच सकते हो तुम? तुम मर्द होकर भी इस घर को जोड़ने के बजाय तोड़ रहे हो, और ये लड़की घर को जोड़ने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो अपने आप को इस घर से अलग नहीं समझती। एक बात कान खोलकर सुन लो चंद्रकांत, पलक इस घर का हिस्सा है, इसी घर में रहेगी इस घर की बेटी बनकर। ये नहीं हो सकता माँ। पलक ना तो जागीरदार परिवार की बेटी थी ना बहू है, इसका इस घर से कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता है पापा, पलक का रिश्ता है पापा। पलक इस घर में मेरी पत्नी और इस घर की बहू के रिश्ते से रहेगी। Yatsatman vaham vasya patameha sarhiram